गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है -1/3 को नंबर लाइन पर शो करना है। क्वेश्चन लिखा भी है, शो ऑन नंबर लाइन। आइए देखिए क्या करेंगे। पहले आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए और आप जानते हैं यहाँ 0 हो गया, लेफ्ट राइट साइड में ये सब इधर पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स इधर होते हैं। अब देखो आपको शो करना है -1/3, तो -1/3 ये आपका इज लेस देन 0, लेस देन 0, बट -1/3 इज ग्रेटर देन -1। मतलब 0 इधर है और यहाँ -1, इधर आपका हो गया +1। तो अब ये 0 और -1 के बीच में ही कहीं 1/3 होगा, -1/3। तो हम करेंगे क्या, इसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1, 2, 3। यह लेंथ 1 है, मीन्स -1/3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 0 के बाद लेफ्ट ये जो पोर्शन हमारा है यहाँ पर होगा आपका -1/3। ये आपका -1/3 हो गया। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब छोटे से बड़े में आपको इसको चेंज करना है इन फ्रैक्शंस को। तो देखें क्या है, डिनोमिनेटर सबका देखें 5, 10, 15 और 30। एलसीएम आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 डेफिनेटली, क्योंकि 35 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 50 से भी डिविजिबल है, 15 से और 30 से भी डिविजिबल है। अब हम करेंगे क्या, इन सब का बेस चेंज करेंगे। आइए देखें, सिंस 2/5 इसका बेस चेंज कर दें, इस 5 के जगह 30 लिखें, तो 5, 6 या 30, इट मीन्स इसका न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 12/30। सिमिलरली 7/10 इसके बेस को बना दीजिए 30, 10, 3 या 30 इसके न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 21/30। सेम 8/15 इसके बेस को भी आप बना दीजिए 30, 15 to that 30, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हुआ 16/30। एंड लास्ट में आपका है 13/30, तो ये आपका 13/30 है। अब आप देखिए सबका बेस देखिए 30, 30, 30, 30। अब न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन है, 12 लेंगे, सिंस 12 इज लेस देन 13, 12 30 से छोटा है, 13 16 से छोटा है, फिर 16 21 से छोटा है। सो 12/30 इज फ्रैक्शन लेस देन 13/30 इज लेस देन 16/30 इज लेस देन 20/30। देयरफॉर 12/30 किसकी इक्विवेलेंट है, 5/2। 5/2 इज लेस देन फिर 13/30, 13/30 ही है, फिर 16/30, 8/15 लेस देन 8/15, एंड एट लास्ट आपका 21/30, ये 7/10 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स 2/5 इज लेस देन 13/30, दिस इज लेस देन 8/15 एंड इट इज ऑल्सो लेस देन 7/10। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर है, दैट इज द सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4C में देखें। इसमें आपका क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, मीन्स ऐड करना है रेशनल नंबर को, ऐड करना है जिसका मैं बता रहा हूँ 5th आपको दिया है 9/-13 एंड -11/-13 को ऐड करना है। सॉल्यूशन में
आप पहले ये लिखिए 9 upon -13 प्लस -11 upon -13 ऐसे लिखिए। अब देखिए बेस इसका -13 है, यहाँ बॉक्स जब खोलेंगे तो ये माइनस साइन आ गया, 11 अपान ये -13 बेस इसका रहे, दोनों का बेस सेम है -13, ये आपका हो गया 9 - 11 मीन्स -2 upon -13, -1 या माइनस कैंसिल 2 upon 13 ये इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, इस प्लस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होने पर साइन यहाँ पर हो गया माइनस, ये मैं बता दे रहा हूँ फिर बता दे रहा हूँ, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ये आपको फोर्थ ये साइन प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आइए फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई इसका 5th क्वेश्चन है, 2 + -1/2 + -3/4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 2 - 1/2 ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -3/4, यहाँ बेस कुछ नहीं है अपान 1, -1/2 -3/4 एलसीएम 4 ले लेंगे, 2 × 2 = 4, सबका बेस 4 ले लीजिए, यहाँ बेस 4 बना दीजिए तो 1 × 4 = 4 2 × 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी बेस 4 बनाइए तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बेस 4 रहेगा न्यूमरेटर वही है, ये आपका हो गया 8/4 -2/4 -3/4 होल एलसीएम 4, 8 - 2 - 3, आप या तो 8 में से 2 माइनस कर लीजिए 6, -3/4 देन 3/4 दैट इज सॉल्यूशन। 4B and 4C आप कंप्लीट कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, नहीं पूछेंगे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू।